राजस्थान में इन दिनों सियासत के दो ध्रुवों के बीच अदावत का दौर जारी है। अदावत की इस पटकथा में एक केंद्रीय मंत्री हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। आपको अगर अब भी समझ नहीं आया है तो बता देते हैं, दरअसल दोनों नेता एक ही क्षेत्र से आते हैं और विधानसभा चुनावों में भी आमने सामने चुनावी मैदान में उतरे थे। अब एक बार फिर सियासत में अदावत की रस्म अदा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बिना नाम लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर न केवल भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगा दिए, बल्कि जनता का हक मारने तक का आरोप मट दिया। जिस भी प्रदेश के अंदर कोई अगर बड़ा उद्योग आता है तो उस प्रदेश के युवाओं के चेहरे खिलते हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन राजस्थान में उसका उल्टा हो रहा है। राजस्थान के अंदर ऐसे मंत्री जो इस काम के अंदर लिप्त हैं और उनका पूरा परिवार लगा हुआ है, युवाओं के नाम पर जो सरकार में आए, उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन युवाओं को तो वो छोड़ चुके हैं और स्वयं ठेका लेके और कंपनी के अंदर रोजगार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। 3 दिन के राजस्थान दौरे से दिल्ली लौटे कैलाश चौधरी ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर क्षेत्र में निजी कंपनियों से अनैतिक रूप से धन उगाही के आरोप लगाए। चौधरी ने कहा कि मंत्री और उनका पूरा परिवार केयर्न एनर्जी कंपनी पर दबाव बनाकर धस जमाने में लगा है। मैं तो ये कहता हूँ, जनप्रतिनिधि जो भी होता है उसका दायित्व तो बनता है कि वो जनता की सेवा करे, न कि वहाँ कंपनियों के अंदर जाकर ठेके ले और वहाँ पर पैसा कमाए और पैसा खाए। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इस मामले के अंदर मुख्यमंत्री जी को जाँच करवानी चाहिए और मैं उनसे बात भी करूँगा कि जिस तरह से एक कंपनी को ब्लैकमेल करके और इस तरह से उनको ये कहा जाता है कि आप अगर यहाँ पे काम करोगे तो आपको इस ज़मीन के कागज़ अगर उनको अवेलेबल करवाने हैं तो उसके लिए उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है, उनको मजबूरी के अंदर उनको उनसे काम छीना जाता है, लिया जाता है। ये वहाँ के स्थानीय युवाओं के साथ में कुठाराघात है और मैं युवाओं के साथ में निरंतर, अभी भी कई युवा वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मैं निरंतर संपर्क में हूँ। दरअसल स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नाम पर दोनों मंत्रियों के बीच तलवारें खींची हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बजाय प्रदेश सरकार के रसूखदार मंत्री साहब केवल अपने ही परिवार को लाभ पहुंचाने में लगे हैं। दरअसल स्थानीय युवा बाड़मेर और जैसलमेर में कार्यरत केयर्न सहित सभी कंपनियों में रोजगार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अब प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ भले ही आ गए हैं, लेकिन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को इसका मोहरा बना दिया है। केंद्रीय मंत्री अब इस मामले में आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब देखना होगा कि मुद्दों के नाम पर सियासी अदावत का ये दौर कहां जाकर ठहरता है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए मनोहर विश्नोई की रिपोर्ट।